आपने ये क्यों किया था ये मौन व्रत? ये मौन व्रत से ऐसा होता है कि देश प्रदेश में, दूसरे राज्यों में, विदेशों में भी ये संदेश जाता है कि ये कुछ भावना लेकर के बैठे हैं। देखो राजनाथ तो शांत तो हो ही गए, वे तो मौन व्रत में ही हैं, पर ये अमित शाह और मोदी जी, ये दो नेता हैं और एक वो हैं मुख्यमंत्री जी, यूपी के मुख्यमंत्री जी, इनको तीनों को चाहते हैं कि ये भी मौन व्रत धारण करके अपनी शांति कर लें तो अच्छा है, नहीं सरकार चली जाएगी, डूब जाएगी। छः दिसंबर को मैंने मौन अनशन पर बैठा था भूख हड़ताल पर। यहाँ पर जैसे ही मालूम पड़ा कि यहाँ आंदोलन शुरू हो रहा है, जो तीन बिल कृषि कानून विरोधी हैं, उसके माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर टिकैत साहब आए हैं, तो वहाँ से मैं फिरोजाबाद जिला फिरोजाबाद से चला आया, अकेला ही चला आया जिला फिरोजाबाद से। यहाँ आ करके मैं इन्हीं के साथ में अनशन पर बैठ गया। आपने भूख हड़ताल करी थी या मौन व्रत रखा? नहीं, पहले भूख हड़ताल की थी मैंने। बैठा रहा एक संत ने कहा, बेटा ऐसा क्यों? मैंने साहब यहाँ पर ऐसा है, सब लोग त्याग कर रहे हैं, जो ये लंगड़ वाले त्याग कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं आपको, तो तुम भी कछु किसी के माध्यम से आप करिए, त्याग करिए। तो मैंने भूख हड़ताल के माध्यम से अपना त्याग शुरू कर दिया। दो दिन लगातार हो गए, फिर टिकैत साहब के मालूम पड़ी। टिकैत साहब बोले कि आप हमको जानते हैं? मैंने, जानते हैं साहब आपको, तो इसके किसके माध्यम से? मैंने कहा साहब उसी माध्यम तो अपना अपना है, जो महात्मा गांधी का एक माध्यम था, असूल था, वही असूल को लेकर के मैं बैठ गया, आप मैं भी इसमें सहयोग कर रहा हूँ। तो ऐसा आंदोलन चलता रहा। फिर मौन टिकैत साहब ने जैसे ही मौन धारण वो घूंघटता तोड़वाई, उसी के उसी वक्त में फिर घूंघट वहाँ मौन धारण पर बैठ गया। फिर एक तारीख को लगातार 30-31 दिन हो गए, तो लगातार एक तारीख को कि हम हंसेंगे, बोलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तुम्हारा ये अच्छा नहीं लगेगा हमको। तो किसान मंच के माध्यम से, कमेटी के माध्यम से मैंने फिर वो भी तोड़ दिया। अच्छा। उसी दिन से मैं घर नहीं गया, फिर बैठा हूँ यहाँ पर। ये मौन व्रत से आत्मबल का कछु वो बढ़ता है, अपनी आत्मा का प्रभाव जिसमें व्यक्ति को हम वो करते हैं, माध्यम बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, उस आत्मा हमारी उसकी आत्मा तक पहुंचती है। ये मौन धारण का आत्मबल बढ़ता है, आत्मा उसके उसके द्वारा पहुंचती है। गांव हमारा सुमिरपुर है, जिला फिरोजाबाद, तहसील सिरसागंज में। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर? यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। 300 किलोमीटर। आप आए कैसे थे? वहाँ से ट्रैक्टर से आए थे, कुछ पैदल चले थे, पैदल से चल करके फिर ट्रैक्टर मिल गया, ट्रैक्टर से आए थे, इस माध्यम बनता चला गया। उसी दिन से बैठे गए, बेलू चले गए थे, हम बने रहे अपने। ऐसा है, उसको आवाज़ को दबाना पड़ता है, बोलने का मन करता है, कोई आदमी सपने में निकल जाती है आवाज़, ऐसी बात नहीं है कि जैसे सपने होते हैं, तो ऐसा होता है कि जैसे कुत्ता भौंकता है, उस पर आवाज़ खुल जाती है, वो तो कान पकड़ना पड़ता है तुरंत ही कि आवाज़ न निकले। किसी इंसान से बोलने के लिए बोलता है तो उसे हम लिख करके देते थे, वो पूरी कापी भरी पड़ी है, इसी के माध्यम से किसी ने कहाँ रहते हो, उसने हमने कहा साहब हम जिला फिरोजाबाद में रहते हैं, इसने क्या क्यों आई हो, तो कुछ लोग अपनी अपनी भाषा बोलते थे, उसके माध्यम से चुपचाप रहना पड़ता था। क्रोध नहीं आना इससे आता है कि क्रोध आता है तो उसको शांत करना पड़ता है, कोई बुरे बोलता है उसको भी हमें देखना पड़ता है कि चलो बोल रहा है कोई बात नहीं है, पर ये मौन धारण तो वही है जो सच्चाई अपने हृदय से दुबक छुपक के न बोले। माला डालने से गांधीवादी नहीं होते हैं, उसके पदचिन्हों पर चल करके, जो पदचिन्हों पर चलता है उनका गांधीवादी का असर पड़ता है, पर लेकिन माला डालने से असर नहीं पड़ता है। माला डालने के तो ये दिखावट ही होता है कि हमने माला डाल दी, हम गांधीवादी हैं।
पर लेकिन मन में राम जैसे बगल में ईंट होती है, उसका माध्यम ये बनता है। मतलब गांधीगिरी कर रहे हैं? नहीं, गांधीवादी के अनुसार अनुवायी चल करके ही हम काम कर रहे हैं। वैसे तो हम टोपी भी गांधी जी की लगाते हैं, दिखाएं आपको? हाँ, दिखाइए। ये तो यहाँ पर ही ले लिया है मैंने, ये गांधी जी की टोपी है, इसको ही धारण करते थे। अच्छा, तो ये गांधी टोपी ही हमेशा से पहनते? हाँ, गांधी टोपी पहनते हैं और वस्त्र सफेदी पहनते हैं, रंग बिरंगे वस्त्र नहीं पहन पाते हैं। इन्हों का कुछ भावना उनके, जैसे भावना लेकर के चलोगे तो मुँह से गाली वगैरह सब ध्यान रखना पड़ता है। कोई बुरे बोलता है, कोई कुछ कहता है, तो उसको ध्यान, मतलब उसमें शांति करनी पड़ती है। जैसे आप हमेशा ये खड़ाऊ ही पहनते हैं, तो आप ये कब से पहनते आ रहे हैं और आपको दिक्कत नहीं होती? इसको 10-12 साल हो गई, दिक्कत आती है इसमें। ये अंगूठे भी ये मतलब ऐसे हो जाते हैं, ये घाट बन जाते हैं, ये ऐसे घाट बन जाते हैं, तो इसमें दिक्कत तो आती, फुलक पड़ते हैं। पर लेकिन कष्ट को झेल करके ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती। यहाँ जब तक बिल वापस नहीं होता है तब तक ये प्रण से ले लिया है हमने भगवान के माध्यम से, कि जब तक बिल वापस नहीं होता है, चाहे वर्षों लग जाएं, कई वर्षों लग जाएं, मतलब शहादत भी हो सकती है, यहाँ पर मृत्यु भी हो सकती है। तो ये कोई हमारा निश्चित नहीं है कि हम कल ही या परसों ही, जब वापस हो जाएंगे उसी दिन चले जाएंगे।